ये कुछ क्लब हाउस है यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर यारों के लिए। ना ना बाबू गुस्सा नहीं करते मम्मी पे, छोड़ दो बात। ओह भाई जयपुर ने कुछ ऐसा स्वागत किया हमारा यहाँ पर। क्या चीज है पेड़ दो से भाई, ये 3 महीने पहले गए हैं शायद और 3 महीने बाद हम आए, इसमें पेड़ ही उग गया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। और ये देखो हमारी गुड़िया हमारे पास हो रही है, सुबह परेशान नहीं करती लेकिन रात को बहुत परेशान करती है ये। तो भाई देखो, लास्ट ब्लॉग में आपने किचन की हालत देखी होगी और आज देख लो, आज मैडम ने सारा साफ कर दिया। क्या देखा तो करोगे तुम और कौन करेगा? अच्छा आप नहीं कर सकते, आप इच्छा है मेरी, यो सोचते कि मैं बच्ची को लेके आऊंगी, लामनी वाइफ को दूर बच्ची को लेके आऊंगी, लेके आऊंगा, लेके आऊंगी मैं। और आपने सोचा अपनी वाइफ को थोड़ा सुकून दूं और मैं कर दूं साफ। क्यों दूं मैं सुकून? ओह अच्छा, मैं आज यूश रख खुद ही मालिश कर रही है हमारे बच्चे की। आ गई तुमको थोड़ी बहुत ही स्टार्ट कर रही है ऐसा डर लगता है इसको मालिश करते हुए, डर लगता है थोड़ी सी नाजुक है ना ये, इसलिए हल्के हल्के ऐसे करने पर भी उन्हें तो प्रैक्टिस होती है इसलिए। आज तो मम्मी मालिश कर ली आपकी, ये मजे वाले मजे वाले पैर का कुछ भी ऐसा। जो जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने पहले हमारी सोसाइटी नहीं देखी, तो ऐसा कुछ व्यू आता है हमारी बालकनी से, कमेंट्स में बताना आप सब कैसा है। ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल है, स्विमिंग पूल वहाँ है ऊपर उधर, ये इधर स्विमिंग पूल है। सो गाइस, जो कल सॉन्ग का शूट है उसकी कॉस्ट्यूम आ चुकी है। लो भाई ड्रेस किसकी? इसमें मेरी है और एक तुम्हारी है, गाउन है शायद इसमें तुम्हारा। ले जाओ अंदर देख लो, आधी नींद में हो रही है। दिखा दिए सारे कपड़े रख लियो वहाँ पे, जो भी सही रहेगा ऐसे तुम रख लियो, अपना तू सूट रख लियो, ये अपना गाउन रख लेगी, एक शॉट ले लेंगे तुम्हारा। चलो देखते हैं अभी, मैं पहले हम पूल खेलने जा रहे हैं और कुछ वीडियोस बना के आते हैं और फिर चलते हैं, बस तुम रेडी हो जाओ फिर निकलते हैं बस जयपुर के लिए। देखो भाई नीचे से ऐसी कुछ सोसाइटी है हमारी, देखो पूरा नीचे से भाई, यहाँ से व्यू अलग ही आता है। अब ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, गाँव पर फ्लैट है हमारा, सामने हमारा क्लब हाउस। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जिम ना किसी भी टाइम देख ले जाए तो कोई ना कोई मिलेगा। अब गर्मी आ गई, अब तो भीड़ रहा करेगी यहाँ पर जिम में। बहुत बड़ी सोसाइटी है ये, तो अभी बस आपको अंदर अंदर से दिखा रहे हैं, हम उधर भी है भाई। ये कुछ क्लब है उसे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर यारों के लिए, यारों के लिए ये जगह। ये ऑलमोस्ट एक सोसाइटी का छोटा सा टूर हो गया आप सबके लिए। ये है हमारी जिम इधर, और यहाँ पर हम खेलने आते हैं पूल टेबल। यहाँ की पूल टेबल बस सही सही है क्योंकि चौक वगैरह अब खेलेंगे। अब देखो साइन को कैसे हराता हूँ मैं भाई। आज का ताजा स्कोर भाई हार चुके हैं आज भी 2-1 से पहले मैच जीतने के बाद। यहाँ की टेबल यार बहुत गंदी है, पता नहीं है। तो हेयर स्टाइल तो बनाओ, बाल गिल्ले हैं मेरे, क्या हेयर स्टाइल बना लूं? खाना भी नहीं खाया मैंने तो खाना खा लो, कब खाओगे निकले फिर? बस तो भाई क्या करूं, ये उड़ गई है भाई। देखो कौन है हमारे घर, ये देख लो। राम 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 राम, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? क्या लाए हो? गो कलर्स का आराम से। भूले भटके कहाँ गए आज यहाँ? पतले से ले रहे आज तुम? पतले हो गई हूँ, पतले हो गए, पतले हो गई ना मैं, देखो युशल लड़ेगी तुमसे आज, तुम्हारा नाखून मारेगी वो अपने, बहुत गुस्सा है तुमसे। तो पतले हो गई हूँ मैं, शिव भाई आए, शिव भाई को भी बुला लो आज भाई, ताऊ की लगी हुई ड्यूटी है। मिल लो भाई, लो भाई रोमा मिलेगी आज पहली बार। किस पे लग रही है तुम्हें, किस पे गई है? दोस्तों से ज़्यादा थी मैं। तुम पे गया है? गई है लड़की है। सो अभी जो है कल वाला व्लॉग मैंने एडिट कर लिया है, आज थोड़ा लेट हो गया, 2:45 ऑलमोस्ट हो चुके हैं अभी से, 3:30 तक आई थिंक लाइव होगा, तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रात थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आए हम 1 बजे, फिर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया, खाना पान खाया, तो फिर मैंने कहा चलो आज सो जाते हैं, कल थोड़ा सा डेट डाल दें 3 बजे। मैं सोच रहा हूँ कि टाइमिंग जो है व्लॉग्स की 3 बजे कर दूँ, 3 या 3:30 बजे के आसपास। तो आपको क्या ख्याल है, सुबह मॉर्निंग में आना चाहिए या इस टाइम सही रहता है 3 बजे के नियर बाई? सो गाइस बस अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं ऑलमोस्ट, और टाइम बहुत ज़्यादा हो
चुका है, 5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और मेरे पास लोकेशन आ चुकी है, जयपुर में कहीं लोकेशन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी। रोमा जो है अपने घर जा रही है वापस, अपने घर में ड्यूटी जा रही हूँ मैं, ड्यूटी जा रही हूँ दोबारा। हाँ तो हमें यहाँ से लग जाएंगे 5 घंटे, 4.5 घंटे लगेंगे पूरे। कल शूट है, फिर देखेंगे कल भी रुकेंगे, अगर जल्दी हो गया तो वापस आ जाएंगे वहाँ पे, वो एक्सी स्मेल। हाँ देखेंगे वहाँ से परसों, अगर हम कल वहाँ पर, अगर कल शूट कंप्लीट हो गया तो परसों हम घूमेंगे वहाँ। चलो ईशा कपड़े तो रखवा लो, इसके ऊपर जैकेट डाल लो कुछ, ये पहन के देखना इसके ऊपर। भाई जो कल के उसमें मैं पूरे ड्रेस वेयर करूंगा वो इनकी रहेगी, और ये इनका नंबर है, अगर आपको भी बनवानी है तो आप बनवा सकते हैं, ये मैंने वहीं से बनवाया था। सही लग रही है, बड़ी सी लग रही थोड़ी सी। यहाँ पर पास में पहाड़ी है, देख उधर इस साइड वहाँ पे पहाड़ है, तो इसलिए यहाँ पर हवा देखिए कितनी अच्छी चलती है। भाई यहाँ पर हवा इतनी अच्छी चल रही है, वो तो आपको दिख रहे होंगे मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। गुड़िया रानी सो रही है, तो बड़ी अच्छी लग रही है नए नए कपड़ों में, देखिए इसका कितना अच्छी लग रहा आँख। ये तो तेरी फोटो लग रही है, देख लो मैडम यार मेरे जूते खो गए। सो गाइस मेरे जूते खो गए, मैं उन्हें ढूंढ रही थी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कौन आया इस घर में हमारे पीछे। सो गाइस हम जा रहे हैं जयपुर, हमारा शूट है कल, थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लेंगे सब। ये देखो भाई यहाँ पर रहने का ये फायदा है हमारे, देखो कार कैसी चमक रही है, वो यहाँ पर बंदा आता है वो साफ करके जाता है, देखने कैसी चमक रही है यार, कितने दिनों बाद ऐसी अपनी कार देखने को मिली है। देखियो प्रिंस, ओ भाई देखियो अब भी तो है चमक रही, ऐसी भी थी कार। हम तो भूल ही गए थे इसका, ऐसी भी है। पहले बैग दिखा था कितना है, क्या एक उनकी तो वो भी है ट्रॉली सी। भाई अभी हम निकल रहे हैं, कितना टाइम दिखा रहा है, 10:53, 11 बजे तक पहुँचेंगे हम, और अगर रास्ते में रुके खाने के लिए तो फिर 11:30 के आस पास। तो खाना भी इतना सा खाया, कितना सा, थोड़ा सा ही खाया बस। सो गाइस अभी हम ऑन द वे हैं, और अभी रास्ते में रुके हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि दूसरा को करना था थोड़ा सा वॉशरूम, मतलब वॉशरूम में आना थोड़ा सा क्या होता है। धीरे धीरे जा रहे हैं मज़े करते हुए, रास्ते में से सामान ले लिया था कुछ हमने, चिप्स वगैरह, अब रास्ते में कहीं रुकेंगे खाना पीना करेंगे। और यार आप कॉमेंट्स में बताओ जयपुर में कोई अच्छी सी घूमने की जगह जितनी भी है, अगर कोई जयपुर से है, कोई जयपुर गया हो और उन्हें पता है कि क्या क्या है जयपुर में फेमस, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बता दो, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम गूगल सर्च करने से बच जाएंगे, और गूगल में यार पता नहीं चलता बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है, पता ही नहीं चलता क्या चीज़ घूमने की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, तो आप बता दो कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। क्या चाहिए भाई, हवा चल रही है, बंद कर। क्या हवा चल रही है, गुड़िया रानी सो रही है यार, ये तो कार रुकते एकदम से रोना शुरू कर देती है। पेट्रोल भरवाया है, हम पेट्रोल पंप, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पेट्रोल पंप नहीं, सुसु करने के लिए रुके थे। अच्छा वैसे ऐसे घूमते हुए मजा आते है ना, ट्रेवल करते हुए मजा आते है ना, इसको तो बहुत आते हैं। तो वैसे देखो हम कहाँ रुके हैं, मन्नत ढाबे पे, मन्नत को लेकर हम मन्नत पर आए, ये मुझे बहुत देर पहले दिख गया था, ये मुझे आधे पौन घंटे पहले दिख गया था कि आगे मन्नत ढाबे पे पीछे लिखा था, मैंने कहा अब तो मन्नत पे ही रोकना है, मन्नत को लेकर हम मन्नत के पास ही जाएंगे, मन्नत को लेकर मन्नत के साथ बैठकर मन्नत में ही बैठकर खाएंगे। थक गया आप, आज बताया टिक्की में ना पता नहीं इतना सारा सामान भर लाया हो तुम, मैंने नहीं भरा, वो आपका सामान है सारा, वो मेरा सामान है, तो उसकी वजह से ना जो सीट है ना वो रिक्लाइन नहीं हो रही, वो सीधी है, तो इस वजह से ना पीछे बैठना आज कंफर्टेबल नहीं हो रहा इतना। अभी थोड़ा सा ना इसको रुक के अभी खाना खाने के बाद इसको ठीक करता हूँ, इसको थोड़ा रिक्लाइन करूंगा तो फिर तुम्हें दिक्कत भी नहीं होने पाता है। तो तुमने पुराने कपड़े पहने थे शादी से पहले, शादी के बाद के कपड़े हैं ये, मतलब शादी के बाद के, सॉरी मतलब बेबी होने से पहले। चलो और जल्दी भूख लग रही है, अच्छा बना रखा है ना। हाँ अच्छा है। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर में हमने क्या किया, आलू पराठा, एक रेड चिली पराठा, पालक पनीर और कड़ी चावल। अब देखो टाइम लगेगा कितना, और उससे पहले हम पियेंगे 2 चाय, मतलब 2 चाय मंगाई है हमने, थोड़ी थोड़ी सब पी, टिश्यू पेपर निकाल लेते हैं यार, देखो कार में ट्रैवल करने में बड़ा मज़ा आता है, पूरा टाइम हंसते और खेलते हो जाती है। मैंने घर से वाईफाई की वीडियो मंगवाई थी, देखो वाईफाई की वीडियो मंगवाई थी मैंने घर से, मुझे ऐसा लग रहा है जब अब तक हम घर जाएंगे ना ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अभी मैंने वाईफाई की वीडियो मंगवाई थी, देखो बड़ा हो जब तक हम जाएंगे हमें ना बहुत बड़ा लगेगा। चाय पियोगे? बस
सो गाइज मैं अपना खुद प्रमोशन कर रहा हूँ, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मेरे चैनल को भी देखें आप, मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देखें, यहाँ पे नीचे लिंक डाल देंगे मेरे भैया रोहित भाई, एंड थैंक यू सो मच अगर उन्होंने डाल दिया। सो गाइज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कल वाली वीडियो पे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि वाईफाई को क्यों नहीं लाए। वाईफाई को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो अभी छोटा है, और 11वीं के साथ मन्नत के साथ वो दोनों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, और अभी हम वापस जाने वाले हैं, ऐसे नहीं कि हम यहीं पर गुड़गांव में शिफ्ट हो गए एकदम, अभी हम सिर्फ शूट के लिए आए हैं। जैसे शूट होगा हम 7 तारीख को वापस ले आएंगे, फिर होली के बाद वापस आएंगे, तब हम उसको लेकर आएंगे। अच्छा बनाया हुआ है ना। ना बाबू गुस्सा नहीं करते मम्मी पे, छोड़ दो बात। ओह ये तो बहुत टाइट पकड़ रखी है, इसके अंक से दिख नहीं रहा था भाई। इसने आज पहली बार मेरा जो है गिल्ला कर दिया, आज मेरे ऊपर सुसु कर दिया इसने। आ जाओ आ जाओ, चलो किसकी शादी भाई? शादी की हो रही है किसी, शादी शादी आ रही है। भाई जयपुर ने कुछ ऐसा स्वागत किया हमारा, यहाँ पर पूरा डेंट आ गया, ये भी थोड़ी सी ये मुड़ गया बेसिकली अंदर, अब इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। खैर चलो कोई नहीं, अभी तो हम आ गए हैं होटल, कर दो बंद। सो गाइस ये है हमारा एक छोटा सा रूम आज अभी के लिए इमरजेंसी में जो हमने लिया है, ये कुछ ऐसा, यहाँ पर बेड है, यहाँ पर दो मैट्रेस लगेंगे जहाँ पर ये दोनों भाई सोएंगे, और ये ऐसा कुछ वॉशरूम है। क्या कह रहे जा भाई लिया, यहाँ पर आज बैठ के मैं ब्लॉग एडिट कर लूंगा अपना, ब्लॉग एडिट करूंगा भाई कल फिर। हाँ तो सोच रहा मैं डाल लूँ अपना पहले एडिट करें। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, इसके अंदर हमारा सॉन्ग का शूट होगा, तो अभी कॉस्ट्यूम वगैरह सारी उसमें है, क्योंकि अभी कल हम यहाँ से जाएंगे, जो हमारी लोकेशन है वहाँ पर हमारा रूम है, तो वहाँ पर हम अच्छे से रेडी होंगे। तो अभी मैं ऊपर सामान लाता, फिर सुबह को दोबारा से डिक्की में डालता, कार में अलग लग रही है अब, पीछे माई बैक ऑफ द माइंड है वही चल रही है, अब उसको घर वहाँ जाके ठीक कराना पड़ेगा, अब उसको ठीक कराऊंगा। इंश्योरेंस है देखो, इंश्योरेंस में वैसे कवर तो हो जाना चाहिए, कवर क्या कितने का चाहिए भाई डिपेंड करता है क्या चीज़ है कैसे है। अब देखो अब मैं जाऊंगा तो करा लेंगे उसको भी चेंज। तो चलो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लव यू, बाय, टेक केयर, ओमा।